जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना किया जाता है, जिसे कि घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना अगर शुभ मुहूर्त में और सही तरीके से किया जाए तो माता रानी हमारी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना कैसे की जाती है, किस दिशा में किया जाता है और कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर शाम तक की कितने बजकर कितने मिनट तक की है और कितने बजे हमें कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहाँ आसन लगाकर माता रानी की आपके पास जो भी फोटो है, मूर्ति है, आप उन्हें पूजा स्थान पर आसन ग्रहण करवाएंगे। इसके बाद माता के फोटो के दाईं ओर, माता के फोटो में शेर के मुख जिस साइड बना होता है ना, उसी तरफ कलश की स्थापना किया जाता है। तो कलश की स्थापना करने के लिए देखिए, आपके घर में जो भी पीतल तांबे का कलश हो या आप मिट्टी के भी कलश ले सकते हैं। कलश में देखिए हमें 7 या 9 बार इस तरह से कलावे लपेटने होते हैं। इसमें हमें गांठ नहीं लगाना होता है, इस तरह से लपेट कर हमें छोड़ देना होता है। तो इस तरह से हम कलावा लपेट लेंगे। इसके बाद कलश के ऊपर रोड़ी से या हल्दी से देखिए स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक शुभता का निशानी होता है और कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना करने जा रहे हैं, माता रानी से हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कलश में हमें स्वास्तिक बनाना है, तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना लें। और कलश की स्थापना हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से हमें माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2024 में कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, कलश में स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम कलश में जल भरेंगे। जल आप शुद्ध जल ले लें। इसके बाद जल में हम थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और कलश में हम पूरे कंठ तक जल भरेंगे। इसके बाद देखिए हमें जल के अंदर क्या क्या रखना है। एक फूल रखना है, एक सुपारी, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची। इसके बाद हल्दी का आप एक गांठ ले ले, रोरी, अक्षत, 1 रुपये और धूप। ये सभी सामग्री हमें जल के लोटे में रखना होता है। इसके बाद हम आम के 5 पत्ते या डलहर, या आप 7 पत्ते भी ले सकते हैं या आप 11 पत्ते भी ले सकते हैं। आप डलहर में 11 पत्ते लगे हुए भी ले सकते हैं। तो सभी पत्तों को आप अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद देखिए पत्ते में भी हम इस तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप चाहें तो आप बिंदी के आकार में भी आप रोरी या हल्दी से बना सकते हैं। पत्ते को आप अच्छे से सजा लें, क्योंकि देखिए 9 दिनों के लिए आप माता रानी को अपने घर में दरबार सजा रहे हैं। माता रानी को आप सेवा प्रदान करने के लिए अपने घर बुलाए हैं, तो बहुत अच्छे से आप सजा के आप धूमधाम से माता रानी का दरबार सजाएं। तो यहाँ पर देखिए हम पत्तों को अच्छे से सजा लेंगे। हम सभी में देखिए इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद जल के लोटे में इस पत्ते को हम सजा लेंगे। इसके बाद हम एक पानी वाली नारियल लेंगे। नारियल में देखिए आप चाहें तो लाल कपड़े लपेट दे या आप कलावा इस तरह से लपेट सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नारियल में त्रिदेवों का वास होता है। नारियल कलश के ऊपर रखने से हमें त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कोई भी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है, इसलिए कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। और फ्रेंड्स, माना जाता है कि कलश में 136 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब भी कोई हम पूजा पाठ करते हैं या कोई बड़ी पूजा करते हैं तो हम कलश की स्थापना करते हैं। इसलिए कलश की स्थापना हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। 2024 में 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहा है और 3 अक्टूबर को कलश की स्थापना किया जाएगा। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में
चौघड़िया मुहूर्त जो कि 6:19 से लेकर 7:47 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त जो कि सुबह 8:45 से लेकर 10:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो सुबह 11:40 से लेकर 12:33 तक रहेगा। लाभ चौघड़िया मुहूर्त जो 12:10 से लेकर 1:37 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 4:33 से लेकर 6:01 तक रहेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को हमें किस समय कलश की स्थापना नहीं करनी है, तो दोपहर के 1:37 से राहु काल शुरू हो रहा है और राहु काल 3:05 तक समाप्त होगा। इस दौरान हमें कलश की स्थापना नहीं करनी है। राहु काल में हमें कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही कलश की स्थापना करें और माता रानी की खूब सेवा सत्कार करें। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य रूप से लिखें। जय माता दी।